चंदोसी म्यूनिसिपल काउंसिल में गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल तनख्वाहों की अदम अदायगी से नाराज आउटसोर्सिंग सफाई वर्कर जुमेरात को म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर में जमा होकर और नारेबाजी की और आउटसोर्सिंग सफाई मुलाजमीन के खिलाफ एहतजाज भी किया है। जिलाई सदर यूथ सिटी सदर का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाद उनके खानदान में मुआशी बहरान मजीद गहरा हो गया है, इसलिए आज उन्होंने शहर की सफाई का काम रोक दिया है। 6 माह की तनख्वाह न मिलने तक सफाई का काम रुके रहेगा। मेरा नाम रॉकी वाल्मीकि है। क्या मामला है आज आपने बाधा की हिसाब से? हाँ, ऐसा है, हमारा 6 माह का जो है आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का वेतन है, जो कि इन्होंने लगातार हमारी कई बार मांग करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी जो है वेतन नहीं दिया। इसलिए जो है हमने कल SDM साहब को एक ज्ञापन देकर हमने जो है नोटिस में लिखा कि आज से जो हम सब लोग सफा व्यवस्था बंद कर रहे हैं शहर की। अब क्या बात रही थी? और यो साहब से अभी वार्ता हुई, यो साहब जो है एक सैलरी देने की बात कर रहे थे, कर्मचारी और संगठन एक सैलरी लेने को मना कर रहा है। संगठन पूरी जो है 6 माह का वेतन और जो सफाई कर्मचारी जो 25 हटाए गए थे आउटसोर्सिंग के, उनकी वापसी की मांग करता है। और नगर पालिका में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बाद में सिर्फ एक दिखावा और कूड़ा बनकर रह जाते हैं। अभी भी देखो, पहले भी बहुत सारे डस्टबिन आए नगर पालिका में, एक भी डस्टबिन नगर के चौराहे पर नहीं है। अब ये फिर से ये स्टील वाले डस्टबिन आ गए हैं और ये फिर कूड़ा बन जाएंगे। पर कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, जो कि कोरोना काल से लेकर हर एक महामारी में हम लोग जो काम करते हैं। ऐसे सफाई कर्मचारियों को वेतन मिलने के लिए 6-6 महीने अपने बच्चों की ना फीस जमा कर पा रहे हैं, ना घर का राशन लेके आ पा रहे हैं, तो मजबूरन हमें जो है ये कदम उठाना पड़ा है। जो हम सफाई व्यवस्था शहर की बंद कर रखी है, जब तक हमारा 6 माह का वेतन और 25 सफाई कर्मचारी वापस नहीं हो जाते, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये जो सभी कर्मचारी हैं हमारे, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते हैं, ठेकेदार के माध्यम से। इनका पुराना जो है ड्यू चल रहा था और जैसे जैसे जो है धनराशि उपलब्ध हो रही है, इनका भुगतान किया जा रहा है। और हमारे द्वारा जो है आज भी जो है 1 माह का भुगतान के लिए इनका जो है कार्रवाई कर दी गई है और आज दोपहर 2 बजे तक अकाउंट में धनराशि पहुंचाएगी। अच्छा, आपकी वार्ता के दौरान एक चीज सामने आई कि एक चेक घूम रहा है, सिग्नेचर नहीं किया जा रहा, चेयरमैन द्वारा क्या मामला है? हो सकता है चेयरमैन साहब घर पे उपलब्ध ना हो, जिस कारण चेक साइन नहीं हो पाया हो, तो लेकिन वो कर दिया है उन्होंने, वो बैंक को जमा करा दिया गया है उसको जो है। ये लोग 6 माह की सैलरी की मांग कर रहे हैं, आप 1 माह की दे रहे हैं, तो उसको मंजूर नहीं कर रहे चीज़ को? देखिएगा, जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी वैसे वैसे जो है भुगतान किया जाएगा। नाम रविशंकर। क्या बात है आपका? मैं अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ। अच्छा, अभी आपकी बात हुई है जो साहब से, क्या बात है? बात ये हुई है, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 6 माह का वेतन है। हम हर महीने इनसे बार बार आकर के कहती हैं, अभी 8-10 दिन पहले भी हमने इनको ज्ञापन सौंपा था, हमने इनको ज्ञापन सौंपा था कि आप हमारा जो वेतन हमारे कर्मचारियों को दे दो। इसके उपरांत भी आज तक हमें वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मजबूर होकर के हमने कल माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जा कर के आज जो काम ना करने का वहां ज्ञापन सौंपा है। वेतन ना मिलने के कारण सारे कर्मचारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हम नगर पालिका प्रशासन से, अपने यो साहब से, अपने चेयरमैन महोदय के पास में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है, हमें सुनते ही नहीं और हमें भगा दिया जाता है, जा तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जबकि ये अपने सारे खर्चे, शासन से जो भी पैसा आ रहा, यहाँ का पैसा आ रहा, कहाँ ये खर्च कर रहे हैं, सब अपने तरीके से खर्च कर रहे हैं। कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं मिल रहा, कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है। इस शोषण के रोकने के लिए ही और अपनी मांग को मांग मनाने के लिए, मांग जो हम मांग रहे हैं नगर पालिका से, इसलिए आज हमने हड़ताल की है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम काम पे नहीं जाएंगे, काम बंद, हड़ताल रहेगी हमारी जारी।